नमस्कार साथियों यार, तो आज हमारे सामने खड़ी है हीरो की तरफ से न्यूली लॉन्च हीरो की एक्सट्रीम 125R। जब 125 सीसी के ज़माने में यार अच्छा खासा कंपटीशन है, राइडर एसपी जैसी बाइक आ रही है, वैसे ही में यार हीरो ने एक ऐसी बाइक निकाल दी है जिसमें यार एक बेहतरीन लुक दे दिया है, अच्छा माइलेज दे दिया है, और जो बेस्ट हाईलाइट बना है इसका वो है इसका माइलेज यार, वो है इसका लुक से यार, और अच्छी खासी कम प्राइस में ये गाड़ी निकाली है। प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें तो ये गाड़ी यार आपको लगभग 95,000 रुपये की इसका IBS वेरियंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें दो वेरियंट है, IBS और ABS। आज के वीडियो में हम आपको यार इसके मिसकंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो इसका हम लुक्स की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट के प्रोफाइल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं यार मित्रों, फ्रंट में आपको बढ़िया सी हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएंगे। दो प्रोजेक्ट LED हेडलाइट्स हैं, दो हेडलाइट्स हैं। यहाँ पर प्रीमियम से आपको DRLs देखने के लिए मिल जाएंगे। हीरो की यहाँ पर बैचिंग की है यार, और जो इसका डिज़ाइन है ट्रांसफॉर्मर वाला वो एकदम ही आपको प्रीमियम लगेगा मित्रों। बिल्ड की जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम ही प्रीमियम बिल्ड की क्वालिटी है। ब्लूएस और ब्लैक कलर की जो डिज़ाइन है वो एकदम गाड़ी के चार चांद लगा देती है। 38mm के यहाँ पर सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सस्पेंशन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये जो वेरियंट है ये एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS वाला वेरियंट है। यहाँ पर आपको यार 90 और 70 इंची का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगे हैं, और जो एलॉय व्हील की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी है यार साथियों। और यहाँ पर ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, चाहे 125R के यहाँ साइड फेंडर में ग्राफिक्स आप देख लें, ब्लू और ग्रे कलर के ग्राफिक्स है जो गाड़ी में चार चांद लगा देते हैं, प्रीमियम बना देते हैं। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम की बैचिंग है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक्सट्रीम की बैचिंग है ब्लू और ग्रे कलर से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पर एक E20 के सपोर्ट के साथ एक मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो यार 10 लीटर का E20 को सपोर्ट करता है। और यार इसकी माइलेज की बात कर लें तो ये गाड़ी यार आपको यार लगभग 66 KMPL माइलेज दे देगी। कंपनी का ऐसा कहना है, यहाँ पर जो सीट है इसकी, यहाँ पर आपको एक स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाएगी, फ्रंट के लिए और रियर के लिए दोनों के लिए स्प्लिट सीट है, यानी कंफर्टेबल है, कुशनिंग बढ़िया है। और इसकी अगर हम सीट की हाइट की बात कर लें मित्रों, तो यहाँ पर यार साथियों आपको 795 यानी कि 795mm की सीट की हाइट होने वाली है। तो अगर आपकी हाइट 5.2 भी है तब भी आपके लिए गाड़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो यहाँ पर साथियों यार 178mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में आपको इंजन गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, 5 ट्रांसमिशन के साथ आती है। और जो मेन कंसेप्ट है, जो आप कल के वीडियो में भी पूछ रहे थे कि मेन स्टैंड, तो यहाँ पर ये साइड स्टैंड है, लेकिन जो मेन स्टैंड है वो आपको यार कंपनी से एक्सेसरीज के तौर पर लगवाना पड़ेगा, इसका मेन स्टैंड, तो वो आपका लग जाएगा, कुछ कॉस्टिंग करेगा, तो वो आपको शोरूम पर जाकर भी पता चलेगा। लेकिन जो मेन एक और हाईलाइट है हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं साड़ी गार्ड वाला सिस्टम यहाँ पर एकदम ही हटा दिया है, साड़ी गार्ड की जगह पर यहाँ पर दे दिया है यार। ये देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी का साड़ी गार्ड ही है, चाहे आप इसको कह लें मड गार्ड फ्लैप या फिर इसको हम कह लें साड़ी गार्ड। और यहाँ पर इंजन का कवर देख सकते हैं इस तरीके से दिया है। और जो एक और हाईलाइट है वो है इसका यहाँ पर बेहतरीन बिल्ट क्वालिटी के साथ ये मडगार्ड फ्लैप है, ये लगाया है इस तरीके से इस टायर के पीछे साथ ही है। और ये जो टायर आप देख रहे हैं ये 120/70 और यहाँ पर आपको एक 17 इंची का टायर देखने के लिए मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर है, बेहतरीन एलॉय व्हील के साथ आता है। और यहाँ पर ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं बढ़िया से ब्लूएस ग्राफिक, यहाँ पर आप इसकी सीट भी खोल सकते हैं। और ये LED टेल लाइट है, यहाँ पर 2 LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएंगे स्प्लिट। और यहाँ से ये टर्न ऑन इंडिकेटर जो है, ये LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों। सिंगल एग्जॉस्टर के साथ आती है, तो इसका साउंड भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। एग्जॉस्ट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है साथियों। यहाँ पर आपको एक ये देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें मफलर देखने के लिए मिल जाएगा, जो फुटगार्ड है पीछे के वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाले। और साथ में जहाँ आज के समय में कंपनियाँ यार किक हटा रही हैं, यहाँ पर एक प्रीमियम पतली सी किक भी दे दी है गाड़ी में, यानी कि किक स्टार्ट भी होने वाली है और सेल्फ स्टार्ट भी होने वाली गाड़ी, दोनों ही चीज़ें इसमें आपको दोनों ही वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज के ज़माने में यार अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, 125 CC की गाड़ी में अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। और जब 1 लाख रुपये में यार साथियों 100 CC की गाड़ी आती है, ऐसे में यार 125 CC की गाड़ी जिसमें राइडर और SP का अच्छा खासा मार्केट है, तो ऐसे में क्या एक्सट्रीम अपना कुछ दम दिखा पाएगी यहाँ पर? तो ये तो गाड़ी लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, 25 तारीख से आपके शोरूम पर ये गाड़ी आ जाएगी। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कब तक शोरूम पर आएगी, तो 25 तारीख तक ये गाड़ी जो है आपके शोरूम पर आ जाएगी साथियों। लुक्स काफ़ी बेहतरीन है यार, इस लुक्स में 125 CC सेगमेंट में अभी तक की कोई गाड़ी नहीं है साथियों। और इसके वेट की बात कर ले तो 136 kg गाड़ी का मैच कर्व वेट होने वाला है। लुक्स मुझे पर्सनली काफ़ी बेटर लगा, सिंगल हैंडल बार के साथ आती है। यहाँ पर हम आपको हैंडल दिखा देते हैं, सिंगल हैंडल बार है और यहाँ पर क्लस्टर भी हम
आपको दिखा देते हैं। हेजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पर लगा है मित्रों यार, और यहाँ से आप इसके इंडिकेटर देख सकते हैं, और यहाँ से इसमें आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, इंजन का किल स्विच होने वाला है, और ये ब्रेक इस तरीके के होने वाले हैं फ्रंट के, यानी कि यार बिल्ड की क्वालिटी बढ़िया है, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, और राइडिंग कम्फर्टेबल होने वाली है यार। स्प्लिट सीट है यार, और ये ABS वाला जो वेरियंट है ये आपको 1,10,000 का लगभग ऑन रोड पड़ जाएगा मित्रों यार। तो आज के लिए इतना ही यार दोस्तों, वीडियो में बताइए आपकी क्या राय है, क्या सलाह है, सारी चीज़ें हमें आपको आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।